पेश है गुड मॉर्निंग जे एंड के। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग जे एंड के। एक और नई सुबह, नया दिन और प्रोग्राम का एक नया शुमारा लेकर प्रोग्राम के मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं अज़हर हाजनी हूं और इस शुमारे में मेरे हमराह हैं इरम। कैसी हैं इरम आप? मैं ठीक हूं, सब ठीक आप है? कैसे? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक। और सर्दियों का मौसम, और सर्दियों के मौसम में जैसा इंसान होना चाहिए था हम वैसे ही हैं बिल्कुल। ताहम कभी कभार धुंध की वजह से जो है मामला जो है वो बिगड़ जाते हैं, और बागम दौड़ के आलम में कभी कभार हम अपना भी नुकसान कर देते हैं, दूसरों का भी नुकसान कर देते हैं। चंद रोज़ कबल भी इस हवाले से मैंने प्रोग्राम में बात की, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं मौसम सरमा के हवाले से जिन चीज़ों के बारे में बार बार बात होनी चाहिए और हमें अमल पैरा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम एहतियात नहीं बरतेंगे तो हम अपना नुकसान कर देते हैं और अपने नुकसान के साथ साथ दूसरों का भी नुकसान कर देते हैं। तो कल भी ऐसा ही मामला रहा, परसों भी ऐसा ही मामला रहा। तो मौसम के हवाले से जो है, हालांकि हम कोशिश ये करते हैं कि अपने आप को अप टू डेट रखें, और आजकल के दौर में हमारे पास उस किस्म की तमाम तर सहूलियात है जिन सहूलियात से हम खुद को अप टू डेट रख सकते हैं मौसम के हवाले से कि कब कैसा मौसम होगा। और इसी तरह जब हम अपने यहाँ की शहराओं की बात करते हैं, हमारे यहाँ की शहराओं के हवाले से या हवाई ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी एडवांस में हमें अपडेट्स मिलते हैं, लेकिन आज से 20 साल 30 साल कबल ये मुमकिन नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी का अमल दखल है हमारी ज़िंदगियों में, उससे हमें बड़ी सहूलियात मैसर हुई हैं, लेकिन कई दोस्त हैं जो टेक्नोलॉजी को कोसते भी हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगियों को बिगाड़ दिया है। लेकिन मैं वही बात अर्ज करूंगा जो इससे कबल भी कई दफ़ा मैं कह चुका हूं कि ये हमारे अपने तक है, खुद तक है कि कुछ चीज़ कित पट करो इसे इस्तेमाल। प्रथ कुन्य चीज़ एक चीज़ पहलू आसा, असल पहलू तो खराब पहलू। अगर इस यो इस हको असल पहलू ही अपनाई तो यूज़ न ऐसे गलत पहलू बासे सो हको अवॉइड कर। बिल्कुल, तो वनो वारे असल ये टेक्नोलॉजी हिंदी से पहलू छ, हर गुन चीज से असली से पहलू आसन, पॉजिटिव तो नेगेटिव। अब ये हमारे यूज पे डिपेंड करता है। अब आपने ठंड की बात छेड़ी, टेक्नोलॉजी की बात छेड़ी, इन दोनों से रिलेटेड मुझे एक बात मेरे जहन में कुछ दिनों से चल रही है जो मैं शेयर करना चाहूंगी नाजरीन के साथ और आपके साथ भी। वह जो चिले कलान वो चिले कलानों ये सख्त तरीन वक्त वो उत्पन्न मुझे याद है बचपन में क्या होता था कि हम अपने दादा दादी के पास जाते थे, तुम ऐसे अथ विश्ने ताना शाल पुप तुम्हें फैरने कांगरे आसान ऐसे पद अथ नवान तो वन पद पी दलील बोजनान ऐसे तुम बोजनान पे टाइम दलील तुम ऐसे नश बोजान सन क्या कथ। आज टेक्नोलॉजी के दौर पे आप देखेंगे कि हमारे घर के जो बच्चे होते हैं वो अपने डिवाइसेस लेके अपने डिवाइसेस में मुबतला हो गए होते हैं। अब अगर जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से अगर उनको डिवाइसेस चलाना आता है तो वो भी अपने डिवाइसेस में ही लगे होते हैं। अगर नहीं आता है उनको डिवाइसेस चलाना तो वो कोने में बैठ के वेट कर रहे होते कि कहीं ना ऐसी बोलना सान दलील अस्तित्व करना का बड़ी ब्लेसिंग है ये ग्रैंड पेरेंट्स जिसको हमने इग्नोर करके रख दिया। वेरी ट्रू। और आजकल की जो हम जदीद दौर की सहूलियात का जिक्र करते हैं तो मुझे लगता है एक बड़ा नुकसान ये है अनडाउटेडली कि जो हमारे बुजुर्गान हैं, जो हमारे दादा दादी नानू नानी
उनकी वो शफ़क़त तो हमारे साथ है, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं, लेकिन जो कुछ वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, मैं बस अत मुतल करो इस कशिर पर कथ ताकि तिमन दी पूर पाठ समझ ये कि सा तिम अस नश तुम वमीत जि सन जन शुर जुर्य तिम कर कह तिम बोजन सन कह तिकाज जिंदगी मज पा स्टेज सु वातना पे एक्सपेक्ट करान यह बुजुर्ग सोन जि मोन बोजन वोल या मीन कथ बोजन वोल गोस कह आसुन तो आम पे वनान जि शुर तो बुजुर्ग हिवी आसान मिजाजन तो मगर अस जहनस मज यह कथ बहन जो बुजुर्ग ये जवान उस ये पनिस बचस उंगज थप कर पकनावान उस तुम बेबी स्टेप्स पकनावान उस तम सात कूता उस ये फिक्रमंद आसा पन्न बच सिंद हवाल या पन्न फैमिली हिंद हवाल तो विंकेनस अगर ये अस सत ये एक्सपेक्टेशन थावान छ सन शुर या सन जुर जन तम बोजन सन कथ तो यु जन सोन कह मामला आहत के हवाल कह मुश्किल आ तम सात रोजन अस सत मे बसा यह कह बड़ कथ कह बड़ तीस बड़ एक्सपेक्टेशन कह वतरुन पजे यह सारे पे जिम्मेदारी आयद सपदान और जिस तरह आपने कहानियों का जिक्र छेड़ा हम जब अपने माजी का जिक्र अपने बुजुर्गों से सुनते हैं तो वो तमाम तर यादें हमारे साथ शेयर करते करते बड़े इमोशनल हो जाते हैं कि वो जो कहानियां हैं वो सिर्फ कहानियां नहीं होती थी उन कहानियों में एग्जैक्टली एक्सपीरियंसेस और जिंदगी को किस तरह बेहतर तरीके से निभाया जाए जिंदगी को किस तरह बेहतर तरीके से चलाया जाए वो चीज़ें वो कहानियों में वो चीज़ें पोशीदा होती थी तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली जो है तरबियत करते थे अपने बच्चों की उन कहानियों के जरिए कह सकते हैं कि उन कहानियों में एक नॉलेज का सरमाया मौजूद है बिल्कुल सही अनडाउटेडली उनसे वो सुने उन एक्सपीरियंसेस से हम सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं बिल्कुल सही कह रही हैं आप जिस तरह आपने कहा कि आजकल जो है ये डिवाइस हम सब के पास है टैब मोबाइल फोन लैपटॉप या फॉर दैट मैटर कंप्यूटर लेकिन इसमें जो है आपकी अपनी मर्जी है कि आप क्या सुनना चाहे क्या देखना चाहे अब जब जिंदगी में एक स्टेज वो आता है जब इंसान अच्छे और बुरे के दरमियान फर्क कर सकता है लेकिन एक छोटे बच्चे से आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इसलिए मुझे लगता है कि कहानियों के जरिए आप बच्चों को वही कहानियां सुनाते थे जिन कहानियों से वो बेहतर तरीके से तरबियत हासिल कर पाते थे लेकिन मोबाइल फोन के जरिए या जो दूसरी डिवाइसेस हैं उनके जरिए ये मुमकिन नहीं है कि आप उनको कंट्रोल में रखें आप एक स्कैनर के तहत उनको वही चीज़ें दिखाएं जो आप दिखाना चाहते हैं इसलिए भी मुझे लगता है कि रिवाइव करने की ज़रूरत है उन चीज़ों को कि हम दादी दादू के साथ नानी नानू के साथ अपने बच्चों को बिठाएं हालांकि आजकल अब न्यूक्लियर फैमिलियों का ज़्यादा चलन है अब बहुत कम ही नज़र आता है कि दादी या दादू अपने बच्चों के साथ या पोतों के साथ बैठें उनके साथ वक्त गुजारें लेकिन ज़रूरत है मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक अहम मौजू है और इस हवाले से आज दिन भर डिस्कशंस होंगे बिल्कुल तो प्रोग्राम के जसलाबस मन से इस मौसीकी हंस दल पन्न वन वालन तम वातनवान तो कशीर हिंद हवाल ये जिक्र यवान जिक्र वारियान तिमन चीजन हुन इमन पेट आज बड़ फक्र आज फक्र पन्ने कशिर मौसीकी पेट पन्न तिमन तमाम कशिर फनकारन पेट यमो कशिर जबान तो कशिर मौसीकी फांफलव अत लोल बुर तो कशिर जबान दुरुस्त दुनियास मज मशहूर तो मकबूल बनो आज ऐसे इतनी गुलूकारन तो फनकारन हुन इंतखाब कोरमुत यम न सिर्फ कशिर मज बल्कि कशिर नेबर ते कशिर मौसीकी गेवान तो कशिर मौसीकी पूर दुनियास तम वातनावान यम छ इरफान बिलाल तो महमीद यमन आम पठ आई बी एम ग्रुप वनान इहजनी खूबसूरत आवाजन मज करो प्रोग्राम किस दसलाबस मज अ बर्थ पेश पत करो अजकिस मेहमान से मुलाकात तो रूजू वुछान सोन तुहद अ सारे हूं पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे एंड के जान दीदारू
नाज़रीन का हम इरफान बिलाल और महमीद सईद की खूबसूरत आवाज़ों में आपने और हमने ये नगमा सुना। उम्मीद करते हैं आप भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। आप गुड मॉर्निंग जेएन की दूरदर्शन के अलावा यूट्यूब पे भी बराह रास्त देख सकते हैं। यूट्यूब पे जाए, डीडी कशीर सर्च करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और गुड मॉर्निंग जेएन के अलावा बाकी प्रोग्राम्स भी देखें। फिलहाल नाज़रीन हम रुकते हैं एक कमर्शियल वक्फे के लिए। वक्फे के उस पार आपकी मुलाकात कराएंगे आज के मेहमान से। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जेएन के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ। हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से।
और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी। सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकने रहिए। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहे। گٹہ مزن یی زن گاش اس روزن پگہ آش اس رشتن برہو گوڈ اس پکھن کڑھو واش سیمٹیکس سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت واو سبھک مدرسک وستاد دنوئی کرگر واو سبھک مدرسک وستاد دنوئی کرگر واو فلراواں گلن وستاد وزناواں دلن سانہ خاطر سٹھی فخرچ کات زی آز کرو اس ملاقات اکس مولمہ سیت اکس مدرسہ سیت اخ خاتون ٹیچر یہند پنی سوسائٹی مز واریہ کنٹریبیوشن چھ یم چھ ضلع بارہمولہ سے تعلق تھاوان مگر یس زن یہند کنٹریبیوشنز چھ تم چھ پور کشیر مز پھیلت یمن چھ واریہ اعزاز ونس تام میل مت یمو چھ اخ تس کام کرمز یم کامہ ست تعلیم ہندس میدانس مز یہنز اخ منفرد پہچان بنیمز چھ یہند یہ سفر تو کت پاٹ باقی نش منفرد کرنچ کوشش جاری تھوت تت متعلق زانو سن ازک مہمان محترمہ حمیرہ سید تہد سٹھا سٹھا استقبال سٹھا سٹھا شکریہ پروگرامس مز تشریف ان خاطر حالانکہ تھی اکس سوشل ایکٹیوسٹ سند حیثیت تہ زاننے یوان تو تت مز تھی واریہ کنٹریبیوشنز تت پیٹھ تہ کرو اس کات مگر ابتدا کرو اس تہ متعلق اکھ بیسک انٹروڈکشن زاننے نش اس ونیو پانس متعلق زی بارہمولہ ضلع مز کت چھو تہ روزان تہد تعلیم تربیت کت ماحولس مز گئی تو کت گئی بڑا شکریہ تہند کہ آپ لوگوں نے مجھے دعوت دی آج اس پروگرام میں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میرا نام حمیرہ سعید ہے، تو آئی ایم فرام بارہمولہ۔ تو میری جو اسکولنگ ہے دیٹ واز فرام سینٹ جوزف اسکول بارہمولہ۔ آپ نے سنا ہوگا مشنری اسکول بارہمولہ میں ہے جہاں سے میری اسکولنگ ہوئی ہے، دیٹ واز اپ ٹو دا 10th اسٹینڈرڈ۔ تو اس کے بعد جو میرا تعلیمی سفر رہا دیٹ واز ان دا ہائر سیکنڈری گرلز ہائر سیکنڈری اسکول بارہمولہ، جہاں پہ میں نے 11th اور 12th اپنا کیا۔ تو اس کے بعد میرا جو سفر رہا BSc میں نے کیا دیٹ واز فرام دا ڈگری کالج بارہمولہ، وہاں پہ میں نے اپنا BSc کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد میری اوپن میرٹ میں سیٹ نکلی میری پوسٹ گریجویشن کے لیے، ماسٹرس کے لیے، MSc باٹنی کے لیے، ان دا ڈپارٹمنٹ آف باٹنی ان کشمیر یونیورسٹی۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ اچھے نمبرات کے ساتھ میں نے وہاں پہ کوالیفائی کیا میرا پوسٹ گریجویشن۔ تو اس کے ساتھ ہی میں نے BEd کا کورس بھی کیا، دیٹ واز آلسو فرام کشمیر یونیورسٹی۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ دیٹ اٹ واز دا جولائی 2005 تو میں نے کمپلیٹڈ مائی یونیورسٹی۔ تو جس دن میرا رزلٹ آیا دوسرے دن ہی میرے کو بلاوا آیا ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن سے
तो मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर बॉटनी मैंने काम किया हुआ है पहली बार इन द वागुरा हाई सेकेंडरी। बिल्कुल वागुरा हायर सेकेंडरी में मैंने एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर बॉटनी का काम किया हुआ है पहले ही। लेकिन आपको मैं क्या बताऊं कि इतना खूबसूरत सफर मेरा उस हायर सेकेंडरी में रहा, क्योंकि वहां पे जो बी फैकल्टी थी प्रिंसिपल से लेके पियोन तक इतनी अच्छी फैकल्टी कि जिनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। बहुत कुछ मिला। अच्छा। आपने भी सुना होगा रिनाउंड पर्सनालिटीज रही है वागुरा से, बहुत ही बड़े स्कॉलर्स निकले हैं वहां से, अदब के शोबे में, अदब और इल्म के लिहाज से हर एक साइड से। बिल्कुल। तो उनके साथ काम करने में मेरे को एक तो बहुत मजा आया। पहले पहले आप लोगों को पता है कि जब फ्रेशर यूनिवर्सिटी से निकलता है तो तिमनचू बड़ा आसान शोक के इस गसो तहत जाए ये तत्सतन ऐसे हिशनस मजन ये। तो वहीं पे नाम लेना बहुत जरूरी, यहाँ पे मैं समझती हूँ कि वहाँ पे जावेद साहब एक थे, जावेद अहमद राठर साहब, वो प्रिंसिपल रिटायर हुए, एक्स प्रिंसिपल थे वो बॉयज हायर सेकेंडरी बारामूला से। तो उनसे मैंने बहुत सीखा, हद से ज्यादा। शाबान साहब थे जोलॉजी के, इफ्तिकार साहब थे फिजिक्स के, और हमारे जो हेड वहां पे थे वो थे नजीर अहमद दान साहब। तो उन्होंने मुझे बेटी की तरह वहां पे रखा। मैं आपको बताऊंगी, नॉट ओनली आई कैन से दैट आई एम हैविंग द पोस्ट ग्रेजुएशन इन बॉटनी, बाकी सब्जेक्ट्स में भी मैं उनके साथ शाना बशाना चलती थी, एंड दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द ऑलमाइटी। अच्छा, कतई कलामी के लिए माफी चाहता हूँ, जब आप अभी जिक्र कर रही थी कि जब आपने काम करने का सिलसिला शुरू किया एक हायर सेकेंडरी स्कूल से कंट्रैक्चुअल लेक्चरर की हैसियत से, तो आपने जिनका भी जिक्र किया वो सारे मर्द हजरात थे। इसे आया होता है कि आजकल के दौर में कहीं ना कहीं ख्वातीन को आगे बढ़ाने में, ख्वातीन को जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में आगे चलाने में बहुत अहम रोल मर्द हजरात का भी है। तो कहीं ना कहीं जो आज से 10 साल 20 से कबल एक शिकायत रहती थी कि ख्वातीन को कम मौके मिलते हैं आगे बढ़ने के, तो वर्क प्लेसेस पर अब एक बेहतर माहौल बन रहा है। बिल्कुल, तो आप इसे इत्तफाक करती हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी। हाँ, ये सही है। पहले पहले क्या हुआ करता था कि फीमेल्स को उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी इन द सोसाइटी, बट नाउअडेज वी हैव सीन दैट एवरी साइड्स वी हैव सीन दैट द फीमेल्स आर रॉकिंग इन दिस वर्ल्ड, राइट? नॉट ओनली वी कैन से दैट इन अवर कंट्री, बट इन द होल वर्ल्ड वी हैव सीन दैट द फीमेल्स आर रॉकिंग प्रेजेंट पोजिशन। यू हैव सीन दैट द होल्डिंग जो हमारी कंट्री की संभाल रही है इस टाइम हमारी द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू साहिबा, जी। तो जी. She is also the female. Exactly. Undoubtedly. लेकिन इसमें मैं बेसिकली आपसे क्या जानना चाहता था कि जिस तरह की शिकायतें पहले रहती थी कि वर्क प्लेसेस पर ख्वातीन को बड़ी नुक्ताचीनी का सामना करना पड़ता है, ख्वातीन को एक बेहतर माहौल उनके लिए क्रिएट करने की, पैदा करने की जरूरत है, क्या आजकल के दौर में हम ये कह सकते हैं कि ख्वातीन के लिए अब वर्क प्लेसेस पर एक बेहतर माहौल है जहाँ पर मर्द हजरात उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और उनको मौके भी फराहम करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप इस चीज से अग्री करती हैं? तो इसी सिलसिले में इसको आगे ऐड करते हुए आपसे पूछना चाहेंगे, अभी हम देख, आपने बोला 2005 में आपकी जो जॉब लगी पोस्टिंग हुई, तो लगभग 17-18 साल हो गए आपको इस शोबे में, टीचिंग के शोबे में। तो इसी जो अजहर ने जो सवाल पूछा इसी को ऐड करते हुए मैं पूछना चाहूंगी कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा एज अ वुमन भी और एज अ टीचर भी इस शोबे में, कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक? मैं आपको बताऊंगी इरम जी एक चीज के, जब मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, मैंने आपको बताया इट वॉज 2006 एंड 17th of July मैंने एज अ कंट्रैक्चुअल ज्वाइन किया। 2-3 साल में कंट्रैक्चुअल रही, तो कंट्रैक्चुअल में भी मैंने बहुत कुछ सीखा, कंट्रैक्चुअल हो या परमानेंट हो, लेकिन यू आर वर्किंग इन द स्कूल, यू आर वर्किंग इन द इंस्टीट्यूशन, वहां पे आपको सीखने को हद से ज्यादा मिलता है, हद से ज्यादा मिलता है, तो जब आप लोगों का इंटरेक्शन हो। तो इसके अलावा जब मैं अपॉइंट हुई, रेगुलराइज हुई, दैट वॉज इन द 2009 एंड इट वॉज द सेम मंथ, इट वॉज जुलाई एंड 7th of July। अच्छा, तो जब मैं अपॉइंट हुई इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह, स्टार्टिंग फ्रॉम 2009 टिल नाउ 2023 आई हैव रिसीव्ड 54 अवार्ड्स। वो मैंने यूटी लेवल में भी, आपको पता होगा शायद 2021 में ऑन 5th of September आई हैव बीन फेलिसिटेटेड बाय एलजी मनोहर सिन्हा सर, बेस्ट टीचर अवार्ड ऑफ जेएनके यूटी, तो वो मैंने लिया। तो उससे पहले भी मैंने डिस्ट्रिक्ट बेस्ट टीचर अवार्ड्स भी मैंने लिए हैं दो बार, एक बार तो हमारे डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नकाश थे और दूसरी मरतबा हमारे डिप्टी कमिश्नर जो थे वो डॉक्टर जी एन यतु सर थे, तो उनसे मैंने लिया है।
तो अल्लाह ताला का फजल था कि मैं ये बताऊंगी कि मेरे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये थी कि जो मेरी वालिदा मोहतरमा है उन्होंने मेरी तरबियत में किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। जैसे कि अभी अजहर साहब ने यहाँ पे बताया कि हम बताते हैं कि फीमेल्स को कम अपॉर्चुनिटीज दी जाती थी पहले ज़माने में, लेकिन मैं फख्र महसूस कर रही हूँ कि मेरी वालिदा जो थी उन्होंने जो मेरी तरबियत की, आज जो कुछ भी मैं हूँ वो कहते हैं ना उनकी पैरों की धूल, वो मैं आज यहाँ पे हूँ। बोलती तो मैं हूँ लेकिन अल्फाज उनके हैं, अल्फाज उनके हैं। कहीं ना कहीं वालदैन की तरबियत के जो नकूश हैं वो नज़र आते हैं उनकी औलाद पर। हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जिस तरह आप अभी वजह फरमा रही थी, हमने आपके बारे में अखबारात में पढ़ा है, सोशल मीडिया पर कई आपके इंटरव्यूज़ बड़े वायरल हुए, आपको बहुत सारे एजाजात से नवाजा गया है और तालीम के शोबे में हज़ारों टीचर्स हैं, आपका काम किस तरह मुख्तलिफ था उनसे कि आपको इतनी पजीराई आपके काम की हुई, और किस फील्ड में किस सफिया में आप काम कर रही हैं और किस किस्म का काम रहा है आपका? मैं आपको सर एक चीज़ बताऊंगी, अभी मैंने आपको बताया 2001 में मैंने बेस्ट टीचर अवार्ड लिया इन जे एंड के यूटी। एक वक्त था, आपको पता होगा कि कोविड पेंडेमिक 19 आया, कोविड पेंडेमिक 19 से ऐसा हुआ कि पूरा माशरा बंद था, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पे जो असर हमारे बच्चों पे पड़ा वो सबसे ज्यादा था, था ना। तो उन दिनों मैंने एक काम किया, तो मैंने अपना एक YouTube चैनल खोला। अच्छा। YouTube चैनल इस वजह से खोला कि हम अंदर ही बैठे थे, आप लोगों को पता होगा एक कमरे से इंसान दूसरे कमरे नहीं जाता था, क्या पता इन्फेक्शन मत हो जाए, तो मैंने अपना एक YouTube चैनल खोला। YouTube चैनल के साथ साथ मैंने एक चीज किया, मैंने कुछ अपने लेक्चर्स बनाए, लेक्चर्स अपलोड भी किए। आप लोगों को पता होगा, यू हैव सीन दिस टाइम हमारे जो बच्चे हैं, अभी अजहर साहब ने यह बताया दैट दे आर वेरी मच एंगेज्ड विद मीडिया दिस टाइम। आपको पता होगा स्कूलों में भी उन्होंने एडमिशन किया होता है लेकिन वो ऑनलाइन टीचिंग में ज्यादा चले जाते हैं, क्यों? वहां पे जो हमारे इस टाइम हमारे स्कॉलर्स पढ़ाते हैं वहां पे भी टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन उनको उनकी टीचिंग बहुत अच्छी लगती है इन कंपैरिजन टू द स्कूल टीचर्स। आप लोगों ने खुद देखा होगा क्या वजह है ये, क्योंकि उनको एक चीज है मैं आपको बताऊंगी, ए टाइम वॉज देयर वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरीज इन अवर स्कूल्स, होता है ना, तो आज है वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरीज हमारे पास है, लेकिन कुछ एडिशंस जो है एक दिन पब्लिश हो जाते हैं, दूसरे दिन आज हम देखते हैं इन द फेसबुक्स इन द मीडिया वो छाए हुए होते हैं, और हमारा बच्चा जो है करंट ही चाहता है जी। वो करंट ही चाहता है, और वो जो करंट चाहता है वो उसको ईच एंड एवरीथिंग ही विल फाइंड दैट ऑन द मीडिया। तो एक मैंने भी एक छोटा मोटा सा स्टेप मैं बताऊं कि मैंने एक छोटा मोटा सा स्टेप उठाया, तो मैंने भी एक यूट्यूब चैनल खोला। यूट्यूब चैनल के जरिए मैंने कुछ लेक्चर्स अपलोड किए, तो उन लेक्चर्स को उस टाइम जब पूरा माशरा बंद पड़ा था, मैं तो ये बताऊंगी कि मेरे स्कूल वालों ने अच्छे से देखे, उनको किसी चीज की डिफिकल्टी नहीं हुई। उस टाइम हमारे स्कूल के प्रिंसिपल जो थे उनका नाम मंजूर अहमद वानी था, वो डिप्टी सीईओ रह चुके हैं बारामूला के। तो मैंने उनसे बात की, मैंने बताया सर ऐसा है कि मैं ये कर रही हूँ, मीडिया का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि आपको खुद पता होगा कभी कभार इंसान डरता है कि अगर मैंने मीडिया के साथ ज्यादा किया क्या पता क्या हो जाए और क्या नहीं हो जाए, कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में पूरा पता नहीं होता। तो मैंने ऐसा किया तो उस पर लेक्चर्स डाले, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने चले कि कहने की बात ही नहीं है। इस टाइम मेरा नॉट ओनली आई कैन से दैट आई हैव द लेक्चर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल, आप ये देखेंगे अभी आपने यहाँ पे महमीद जी को लगाया, इरफान बिलाल साहब को लगाया, मैंने भी थोड़ी मोड़ी छोटी सी कोशिश की बिच्छस नाते शरीफ मैं भी पढ़ती हूँ, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब। पहले पता होता तो शायद हम आगाज उसी से कर लेते हैं, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो उसमें वो भी है। तो वट एवर प्रोग्राम्स जो भी ऑर्गेनाइज होते हैं, मैं ये बताऊंगी कि हमारे इलाके में मैं जो टीचर हूँ, मेरी जो पोस्टिंग है दैट वाज इन हायर सेकेंडरी स्कूल डंगीवाचा इलाका रफियाबाद, और वो मैं फख्र से कहूंगी इल्म और अदब के लिहाज से बहुत आगे है, बहुत ही आगे। वहाँ जो हमारी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट बहुत ज्यादा है मेरे कामों में। मैं आपको एक चीज बताऊंगी, एजुकेशन सिर्फ इतना ही नहीं है दैट आई एम गोइंग टू टीच माई स्टूडेंट्स इन द क्लास रूम, दैट नो, उसके अलावा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बच्चा हमारे क्लासरूम से बाहर भी होता है, इसके साथ क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है, तो इसको क्लासरूम तक पहुंचाना किस सिचुएशन में, वो एक बेस्ट टीचर की क्वालिटी है। सही कह रही हैं आप, और अभी आप जिक्र कर रही थी कि आपको परवरदिगार ने बड़ी अच्छी आवाज भी अता की है और आशिक़ रसूल हैं आप भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम आपसे जरा देर बाद जरूर दरख्वास्त करेंगे कि अपनी खूबसूरत आवाज में
हमें कुछ सुना भी दें, लेकिन फ़िलहाल हमें रुकना होगा नाज़रीन एक वक्फे के लिए। और आपको अगर काम के चलते कहीं जाना भी हो, मोबाइल फ़ोन आपके पास है ही, यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं हमें, लेकिन गाड़ी चलाने के दौरान प्लीज़ मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। इत्मीनान से जब कहीं बैठेंगे तो यूट्यूब पर आप हमारे प्रोग्राम को देख सकते हैं, और डीडी कशर के ट्रांसमिशन को आप 24/7 जब भी चाहें देख सकते हैं डीडी कशर की हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। रुकेंगे एक वक्फे के लिए। گٹہ مزن یی زن گاش اس روزن پگہچ آش اس رشتن برہو گوڈ اس پکھن کڑھو باش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت وادی کے بے اولاد لوگوں کے لیے خوشخبری वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर में 25 दिसंबर से 5 जनवरी 2024 तक डॉक्टरों की पूरी टीम मगरमल बाग श्रीनगर में बे औलाद जोड़ों का चेकअप करेंगी, जिनकी सरबराही वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश करेंगे। डॉक्टर वरीश के इलाज से पिछले 3 सालों में हजारों बे औलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग रोशन हुआ है। अगर आप भी सालों से औलाद की खुशी से महरूम हैं तो तशरीफ लाएं। 25 दिसंबर सन 2023 बरोज सोमवार से 5 जनवरी 2024 तक वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 7814792726। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर OPC सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। OPC ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन बहुत बहुत खैर मकदम एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में। नाज़रीन हमारे साथ तशरीफ फरमाए हुमैरा सईद साहिबा, जिनसे हमने ब्रेक पे जाने से पहले गुजारिश की थी कि वो हमें नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर सुनाएंगी। क्या आप सुनाएंगे हमें? एक लाइन। बिल्कुल एक लाइन। बिस्मिल्लाह। अरे हाजियो तुम हरम जा रहे हो, बसत है तराम एक सलाम अर्ज़ करना, मजारे मुकद्दस पे जब हाजरी हो, मेरा भी नबी से सलाम अर्ज करना, मेरा भी नबी से सलाम अर्ज करना, ये कहना कि कुम मती बेसहारा है बेचैन वो दर्दे फुरकत का मारा, ये कहना बसारत से महरूम है वो, निगाह करम का तलबगार है वो। अरे हाजियो तुम हरम जा रहे हो, मेरा भी नबी से सलाम अर्ज़ करना, मेरा भी नबी से सलाम अर्ज़ करना। जज़ाकअल्लाह जी, परवरदिगार अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं,
आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, पेशे से एक टीचर हैं, लेकिन शौक इन चीज़ों का रखती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इससे कहीं ना कहीं एक टीचर जब खुद इन चीज़ों में शौक रखता है या खुद अपने आप को, अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करने में शर्माता नहीं है, तो इससे वो बच्चों की भी मदद कर पाता है बेहतर तरीके से, कि अगर उनके अंदर छिपी कोई सलाहियत है तो उस सलाहियत को जो है निखारा जाए, उसको पॉलिश किया जाए। जाहिर सी बात है आपके सामने जब क्लासरूम में बच्चे होते हैं, जिस तरह आप अभी वजह फरमा रही थी कि पढ़ने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि सिलेबस को आप पूरा करें और सिलेबस के मुताबिक आप चलें, पढ़ना और पढ़ाना क्लासरूम के बाहर भी है। जिंदगी के हर मामले में, जिंदगी के हर पढ़ा पर आप पढ़ सकते हैं, आप अपनी तरबियत कर सकते हैं, अपनी शख्सियत में निखार ला सकते हैं। जब आप पढ़ा रही होती हैं, जाहिर सी बात है कई उसमें खबर कजा राज बेगम आसन तिमन बच्चन मस, खबर कजा लता मंगेशकर आसन, खबर कजा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आसन, खबर कित आइंस्टाइन आसन, खबर कित सचिन तेंदुलकर आसन, मगर सिर्फ ये फोकस करूँ ये बच्चे का सिर्फ डॉक्टर तो इंजीनियर बनुन, तो अच्छा बासा अत मुमकिन किस दौर में तब्दीली आम बचन दिवा मौका, अगर तिमन मज का टैलेंट या का इंक्लिनेशन दिमो तिम डायरेक्शन तो पकना। बिल्कुल, ये पहले जमाने में हुआ करता था, हम बोलते थे न चाहे बनू डॉक्टर तो चाहे बनू इंजीनियर, मगर आजकल के जमाने में मैं आप लोगों को बताऊं कि 99% पेरेंट्स जो है वो फोकस करते हैं कि जो बच्चा चाहता है उसको वही दे, वही दे, क्योंकि उसी में बच्चा आगे चलता है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द स्टूडेंट दिस टाइम कि उसको हम जो ठोसे वो वही पढ़े। बिल्कुल, आप देखिए क्लास में भी मैं आपको बताऊंगी, जो बच्चे को स्कूल में सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, आजकल चॉइस होती है कि आप बच्चा कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, कौन से स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं, जो बच्चे का अपना चॉइस होता है ही और शी कैन गो इन दैट स्ट्रीम, क्या तथ मजन कर सो क्वालिफाई असल पर्सन इन कंपेरिजन टू उसमें जिसमें उसको फोर्स करना पड़ता है, फोर्सफुली बच्चा नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। आप देखिए मैं आपको बताऊंगी कि हमारे घरों में भी बच्चे हैं, उनको कभी आप बताइए बेटा आप इस टाइम वो वाली बुक निकालो, ये वाली नहीं निकालो, इस टाइम इट इज बेटर टाइम फॉर यू गो थ्रू योर साइंस बुक, वो बोलेगा नहीं आई हैव दिस टाइम माय चॉइस आई विल गो थ्रू मैथ्स, मैं वही पढ़ूंगा। सो बच्चा जिसमें चाहता है, जैसे कि सर ने अभी बचा फरमाया कि बच्चा उसी में एक्सेल करता है जिसमें उसका अपना इंटरेस्ट हो, एंड दैट वाज ऑब्वियस। एंड इट्स हाई टाइम कि हमारे पेरेंट्स भी इस बात को समझो, जिस तरह से आपने कहा कि आज पेरेंट्स पेरेंट्स जो है मैंने आपको बताया कि आजकल के जो पेरेंट्स है दे प्रोवाइड द बेस्ट एंड गुड अपॉर्चुनिटीज टू देयर किड्स। अब ऐसा है कुछ बच्चे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि तोशपानस पता के ए एस आई कशीर मजन अगर इस ज्यादा पहन नजर तराओ फार्मर तब कुछ ज्यादा पहन है ना, जिनको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है एज फार एज द स्कूल्स आर कंसर्न, एज फार एज द स्कूल स्कीम्स आर कंसर्न, दे आर नॉट फुली अवेयर अबाउट दैट। तो उन तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी, तिमन कित कन लाइक पता कि ओ सोजोन बच स्कूल पत क्या इमिस अस पढ़ना अस क्या खासकर इनको काउंसलिंग्स की जरूरत पड़ती है। मैं आपको बताऊं कि जैसे सर ने अभी बताया कि काफी ज्यादा आइंस्टाइंस निकलेंगे, काफी ज्यादा साइंटिस्ट निकलेंगे, काफी ज्यादा स्कॉलर्स निकलेंगे हमारे क्लास में, लेकिन क्या एक टीचर फोकस कर पाएगा कि मेरे क्लास में से साइंटिस्ट कौन सा है, क्या वो आइडेंटिफाई कर पाएगा, हु विल बी द फ्यूचर साइंटिस्ट। तो ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन अ स्टूडेंट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द मेंटेलिटी ऑफ द टीचर, हाउ टीचर बिहेव्स इन द क्लास। टीचर का बिहेवियर जो है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है जी एक बच्चे का मुस्तकबिल बनाने में। और काउंसलिंग और गाइडेंस की आपने बात की, काउंसलिंग और गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है एक बच्चे को सही डायरेक्शन दिखाने के लिए कि उसको क्या करियर चूज करना चाहिए। आपको लगता है कि आजकल उस फील्ड में हम तरक्की कर रहे हैं कि काउंसलिंग और गाइडेंस उतनी प्रोवाइड होती है बच्चों को? मैं आपको बताऊं कि मैडम देखिए कि इन द स्कूल्स गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन इन द सोसाइटीज मैं आपको बताऊंगी आश्वासन बोर्ड बार रोल इस निवा कि यू सान लोकेलिटीज मन सुनवा सिविल सोसाइटीज, सिविल सोसाइटीज अगर इम चीज करा ना तुम बच्चन करन प्रोवाइड किंग काउंसलिंग सेशंस, क्या मैं आपको एक चीज बताऊंगी, बच्चा स्कूल आता है सुबह कर अचान युत यह अंदर चाव इस वार्निंग असेंबली पास युत द्राव इधर क्लास मजन क्लासन मजन क्लास पांच आम तुमने सब्जेक्टन पे फोकस कर है ना, इनको फोकस करना है ना। अब जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगी, समटाइम्स वी हैव अ टाइम अचीवन करा तुम चीज चुना करा, मगर द बेस्ट काउंसलर is at your home. आपके पेरेंट्स बन जाते हैं, आपकी सोसाइटी बन जाती है। यूम तो हिचना मच बोनो तो आख कथा क्योंकि घर स्कूल में बच्चे द्राव इस ट्यूशन सेंटर्स पे ट्यूशन सेंटर्स पे पढ़ा मगर यह दहन बच्चन सतन रलान तथा येन सतन वो कि आप लोगों ने खुद देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में इस वक्त कुछ बच्चे ऐसे एक्सेल कर रहे हैं, तो ऐसे वो पत फिर IAS एग्जाम उसमें उन बच्चों ने टॉप किया यमन गरस मजन तालीमी माहौल बिल्कुल उसकी फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स बिल्कुल उनको कुछ भी माहौल नहीं था। आपने देखा होगा कि
डोरा पैटर्न अख फैमिली अखन यहां त्रे सिबलिंग्स बच्चे तीन थे जिन्होंने क्वालिफाई किया और उन बच्चों ने सारा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को दिया। उन्होंने बोला कि हमारे पेरेंट्स जो थे तिमो इस पानस करा जर्ट काम पानस उस मीट करा काम मगर ऐसे करा प्रोवाइड। इवन कि उन्होंने ये बताया कि मैं सो उस पेरेंट यह सो उस गा बाजर यह कम कर खम सज अर्निंग मजस हेकिल अक किताब अन तथ किताब पे पोर त्रेशवियो बार त्रेशवियो बार ने पोर गया कि उसको उस बच्चे को इतना पता है एक बच्चे के अंदर ऐसी तरबियत पैदा हुई है उसके स्कूल में उसकी सोसाइटी में कि तेम वुछ मलिस माज हूं मुहिम थी कि मे क्यु मलिस सिचुएशन कि ना हेकिन दुम किताब अन कम कॉपरेट पनस पेरेंट्स सत कॉपरेट पै बारन सगर सू सवाल पारा सू सवाल दोशवेन एक्सप्लेन करा गोया कि एक ने पढ़ा दो को एक्सप्लेन किया गोया कि तीनों को पता चला पत् कौर दुशवे बै बारन तथे कन तो अल्लाह ताला सुन फजल तारक पे चमकिया बिल्कुल सही। मोहतरमा हुमैरा जी अख शेर वनकस मे जहनस मबरान तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे उधर फेर। तालीम वाहिद वत अगर तु यहां इंसान जिंदगी सुधारें बेहतर बनाविन तो सही वत पे सू लागन तम खे तालीम तालीम सही पे बच्चन तम वात पानस मा चैलेंज मगर यह हेक जान टीचरी कर तुम वो पान क्लास रूमस मज इंटर गमस टीचर सुंद रोल गुथ आन बच्चे पढ़ने वाले गरी मुतासर गम ग पुन रोल मॉडल समझ बिल्कुल मगर तम बाप से सठा जरूरी गोडनेत यह तारिक मरगूब से वन जन सो सेगमेंट सान वन वाले तम वातान गुड मॉर्निंग एजुकेशन अगर तुंदिस गरस मज टंग कुल अत हेकन नूट नीरित कम करू तुम एक्सपेक्ट कें कि अत नूट या अत नश यह टंग कुल अत नंग यानी कि अगर कंस नफरस इंक्लिनेशन या इंट्रस्ट कुन फील्डस मह सो सोई काम करें सो गो फोर्सफुल यून बे कह बनाने के टीचिंग हिंद प्रोफेशन के हवाल से वुचमत ये इंसान सारी ऑप्शन इंसानस मोकलान पत वन चलो बनोस नुत कलो बह भर फॉर्म बह बिल टीचर तुम क्या पता यह सठा जरूरी चूंकि यह पगम बरान पेश गोडनी चॉइस गसन इंसान बह गोस टीचर बन तेज यह डॉक्टर बनाने वो टीचर के एस आई एस क्वालिफाई करना वो टीचर इंजीनियर बनाने वो टीचर सो चॉइसेस के हवाले से आपसे हमारा ये सवाल होगा कि कितना जरूरी है कि आपकी पहली चॉइस हो कि मैं टीचर बनूं तभी वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा हकीकी मानों में। एक चीज मैं आपको बताऊं कि सर यहाँ पे उस चीज ना जहनस मज त्रा कि डॉक्टर तो इंजीनियर बन टीचर बन कि दिमाग ये हम खुद है कुछ पेशों को हमने बड़ा चढ़ा कर पेश किया। मैं आपको एक चीज बताऊंगी शायद आप लोगों को आप लोगों ने यह सुना होगा इस साल का बहुत ही बड़ा एक स्लोगन रहा सोच बदलो देश बदले सोच बदलो देश बदले सोच बदलने के लिए कोई तैयार नहीं है सही। जब सोच नहीं बदली तो देश कैसे बदलेगा। मैं आपको बताऊंगी घर में बेटी का रिश्ता आता है तैतन सतन इस गुड़ी मोल वाला लड़के क्या हाज करा इमा टीचर सही टीचर को देने के लिए तैयार नहीं है बेटी लेकिन आप ये बताएंगे कि जैसे अभी अजहर साहब ने हमारी कौम तो ये टीचर ही आई अप्रिशिएट यू माई ब्रदर जिसने ये अभी बताया कि इन सब पेशों को बनाने वाला उस्ताद ही है। बिल्कुल टीचर इज द नेशन बिल्डर सही है ना वही तो बनाता है। मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि ये ले इस बच्चस वनस काउंसलिंग करा ये ले इस एक इस बच्चस पढ़नावा तेल सान स्कूल मजे पगह दह तबक नेरा सही कच्छ बिल्कुल इदारा एक स्कूल एक उस्ताद एक लेकिन अलग अलग किस्म शोबे के बंदे निकलते हैं वहां से मेडिकल भी निकलता है एग्रीकल्चर भी निकलता है ब्लॉक भी निकलता है सोसाइटी वाला जो आज सोसाइटी में डील करता है जैसे कि सर ने अभी बताया मैक्सिमम पॉपुलेशन से इस विचार में तुम जॉबस मजन कहीं तुम जॉब नंबर मगर सुत ना एम स्कूल मजूर तबक ना एम मजन आप यकीन नहीं करेंगे यू कॉन्ट बिलीव दिस टाइम वी हैव अपॉर्चुनिटीज हमारे बच्चों के पास इस टाइम तो भी कुछ फैसिलिटीज थी मेरा टाइम था मैं आपको बताऊंगी अस इस पारा गाइडो पे गाइडो पे पारा आज क्यों कसु गाइड उन से मैं एम बी डी बहुत एम ए पे पारा दिस टाइम वी हैव रेफरेंसेस वी हैव नेट वी हैव गूगल ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस और हमारे बच्चे के लिए डॉक्टर तो इंजीनियर बनन क्या सह बने सु शख्सियत के उसका नाम हम फख्र से ले लेंगे। अच्छा यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूंगी आपने कहा कि आपको 54 अवार्ड्स इफ आई एम नॉट जी 54 अवार्ड्स मिले। अवार्ड्स बेसिकली क्या होता है अवार्ड्स आपको एक अप्रिसिएशन देता है एक
मोटिवेशन देता है, एनकरेजमेंट देता है। यहाँ पे मैं चाहूंगी, हम चाहेंगे कि आपके जो अवार्ड्स है, जो आपने आप तो बैग्स भर भर के लाई थी अवार्ड्स, लेकिन हम सारे तो दिखा नहीं पाएंगे, हम चाहेंगे कि हम अपने नाजरीन तक आपके अवार्ड्स दिखा पाए, ताकि ये एक इंस्पिरेशन की तरह साबित हो हमारे उन नौजवानों के लिए जो टीचिंग शोबे में अपने मन से जाना चाहते हैं और जो टीचर्स बन के हमारे कौम में नेशन बिल्डर्स का काम अदा कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो आगाज हम करेंगे इस मोमेंटो से जो मेरे हाथ में है, आलमी यूम मादर का ये जो अवार्ड है आपको मिला है उसका मोमेंटो मैं अपने नाज़रीन को दिखा रहा हूँ, और ऐसे ही दर्जनों अवार्ड अप्रिसिएशंस असनाद हैं जो हुमायरा जी को मिली हैं इनके काम के लिए, इनके काम के एतराफ में, और भी कई सर्टिफिकेट्स हैं, मोमेंटोज हैं, अवार्ड्स हैं जो मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा अपनी बाईं जानिब आप पैन करें और हमारे नाज़रीन को दिखाएं वो अवार्ड्स, और हम अपनी आज के मेहमान से दरख्वास्त करेंगे कि हमें बताइएगा इन मुख्तलिफ अवार्ड्स और अप्रिसिएशंस के बारे में तफसीलन। जी, नेक्स्ट शॉट आ रहा है और इस शॉट के जरिए आप देख पाएंगे एक तस्वीर है, एक यादगारी तस्वीर। जी, ये डिस्ट्रिक्ट बेस्ट टीचर अवार्ड मैंने लिया हुआ है, हमारे डिप्टी कमिश्नर थे डॉक्टर नासिर नकार साहब। ओके, दैट वाज एक। तो ये तस्वीर जो है अभी आप जब जाहिर सी बात है देख रही हैं टीवी पर, तो तमाम तर यादें ताजा हो गई होंगी। और एक ये एक सर्टिफिकेट और हम दिखा रहे हैं अपने नाजरीन को, बताइएगा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दैट वाज प्रेजेंटेड बाय एलजी मनोज सिन्हा सर जी, एक महीने पहले की है। अरे वाह, बहुत एक बहुत महीने नारी बहुत मुबारक आपको। थैंक यू वेरी मच। नारी शक्ति अवार्ड मैंने लिया फ्रॉम JNKUT, तो दैट वाज फॉर के ये जो है दिस सर्टिफिकेट बेस्ट टीचर अवार्ड 2021 ऑफ JNKUT। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो अगर मुमकिन हो पाता तो हम देख दिखा देते, लेकिन आपका काम बेसिकली मुझे लगता है आपकी सबसे बड़ी अप्रिसिएशन है, आपके काम को लोग अप्रिसिएट करते हैं, और जो आपके स्टूडेंट्स हैं जो जिंदगी के किसी भी शोबे में आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा फख्र जो है वालदेन के बाद एक उस्ताद को होता है कि मेरा जो शागिर्द है जिंदगी की दौड़ में आगे है। और एक मोमेंटो है जो हम दिखा रहे हैं अपने नाजरीन को, अभी आपके स्क्रीन पर आ रहा है नाजरीन, और हमारा जी इस बारे में बताएंगी, बताइएगा ये ADC सोपोर ने मुझे मोमेंट ऑफ ऑनर दिया है फॉर माय एग्जाम्पलरी सर्विस इन द फील्ड ऑफ माय एजुकेशन एज यू ऑल नो, तो उसके बारे में मुझे मिला है। जी जी जी, वंडरफुल। और मैं अर्ज कर रहा था ना अभी कि अगर हम आपके अवार्ड्स के बारे में बात करने बैठे तो उसके लिए घंटों दरकार है, क्योंकि आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं माशाल्लाह से। हम आपके कारनामों के बारे में और किस तरह आप दूसरों से मुख्तलिफ काम कर रही हैं जिसके चलते आपको इतनी अप्रिसिएशंस मिल रही हैं उस पर बात करेंगे जरा देर बाद। फिलहाल नाज़रीन रुकना होगा हमें एक और वक्फे के लिए। कश्मीर, एक नाम एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। گٹہ مزن یی زن گاش اس روزن پگہچ آش اس رشتن برہو گوڈ اس پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنز رشتن ہز مضبوط عمارت۔ वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग JNK और हमारे साथ तशरीफ फरमाए हुमैरा सईद साहिबा। ब्रेक पे जाने से पहले हुमैरा मैम, हमने आपके जो है अवार्ड्स उन पे एक नज़र डाली। ये अवार्ड्स तो एक, जैसा कि मैंने कहा कि एनकरेजमेंट का एक जरिया बन जाते हैं एक इंसान के लिए, लेकिन इन अवार्ड्स के पीछे बहुत मेहनत, बहुत शिद्दत छुपी हुई होती है, साथ ही बहुत चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है एक इंसान को, तभी जाके वो किसी मुकाम पे पहुंचता है। एज अ वुमन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली एज अ वुमन क्या चैलेंजेस है जो आपने फेस किए अपनी इस जर्नी में। इरम जी, एक चीज है, बहुत खूबसूरत सा सवाल आपने पूछा।
as far as the females are concerned. Because I relate to it. yeah, that is right. तो चैलेंजेस के बारे में आपने बताया, ऑब्वियसली चैलेंजेस तो बहुत ही फेस करने पड़े, बहुत ही ज्यादा फेस करने पड़े, क्योंकि लड़कियों का आगे आना बहुत लोगों को खटकता है, बहुत. अच्छा, अभी भी है वैसी सोच, अभी भी हमारी सोसाइटी में है? हाँ, अच्छा? है. okay. सोच तो है, खटकता बहुत ज्यादा है, लेकिन जिसको अच्छा लगता है उसके लिए तो हर हमेशा पेश में रही, जिसको अच्छा नहीं लगता है उसको तो मैं कुछ नहीं कह सकती, उसको तो मैं इतना जरूर कहूंगी कि आपके सोचने से या आपके वो बीच में अर्जेंट लाने से मेरे को कुछ नहीं होगा. होता वही है जो रब चाहता है, वो जो चाहे वही होता है. चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़े, बहुत फेस. इवन आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने मेरे काम को रोकने की बहुत कोशिश की, बहुत ही कोशिश की. मैं आपको बताऊंगी, आई हैव गुड इंटरेक्शन विद माई स्टूडेंट्स. जो मैंने परसों एक अवार्ड लिया, नारी शक्ति अवार्ड, एंड दैट अवार्ड वॉज फॉर दैट आई एम कन्विंसिंग यूथ टुवर्ड्स द स्टडीज. मैंने काफी लोगों को, दैट वॉज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ अवर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जिन्होंने एक स्कीम लॉन्च की, घर घर जाके टीचर्स गए, तो बच्चों को लाया, उन बच्चों को लाया जिन्होंने आज काफी टाइम से तालीम को छोड़ा था. ड्रॉप आउट्स को लाया. okay. आधे बच्चे ऐसे भी थे जिनकी एज भी गई थी. अच्छा. लेकिन उनको स्कूलों तक पहुंचाना. कोई बच्चा ऐसा था जो शाई फील करता था, मेरे को नाइन्थ क्लास में जाना है, ये तो छोटा सा बच्चा है, मैं वहां पे, मेरे को दाढ़ी भी आई है, मूंछें भी है, तो मैं उनके बीच कैसे बैठूंगा. उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना, उनके अंदर एक ऐसा वो सपोर्ट, उनके साथ रहना, उनको बताना नहीं जी वो बैठा है, आप भी बैठिए, कल को पढ़ने के लिए कोई एज नहीं होती है, आप भी बैठिए, आप भी कल को समाज को दिखाइए. अगर वो छोटा बच्चा वहां पे गया बैठो, थोड़ा एज बड़ा होके ही वहां चला गया, लेकिन मैं भी समाज को दिखाऊंगा कि मैं भी किसी से कम नहीं था. okay. मैंने भी दुनिया में कुछ किया. एज अ फीमेल मैं आपको बताऊंगी, काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, हद से ज्यादा करना पड़ता है, हद से ज्यादा. लेकिन चैलेंजेस को एक तरफ छोड़ के, आंखें खोल के चले आप, अपने काम पे फोकस करें, आप ये रखें कि वो आगे मेरा गोल है, मुझे वहां तक पहुंचना है. जी, और कहते हैं कि जब हमें किसी कामयाब मर्द के बारे में जिक्र करना होता है, या फकरन हम कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन एक कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का, बल्कि न सिर्फ हस्बैंड का, वालिद का, भाई का भी हाथ होता है. बिल्कुल. तो आप जब आज जिंदगी के इस मकाम पर हैं, जहां पर आपकी जूली में बहुत सारे अवार्ड्स हैं, अप्रिसिएशंस हैं, किन किन का नाम लेना चाहेंगी? मैं आपको बताऊंगी, जैसे आपने बताया कि मेरे जो शौहर है, पीस ज्यादा मुर्तजा नाम है उनका जी, उनका बहुत सपोर्ट है मेरी लाइफ में. दीज थिंग्स हैपन्स ओनली जब वो मेरे साथ है. माशाल्लाह. वो मेरे साथ है तो मेरे को लगता पूरी दुनिया मेरे साथ है. माशाल्लाह. पूरी दुनिया मेरे साथ. आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी, आपने बताया कि वालिद साहब एट दैट टाइम आई वॉज इन द एज ऑफ 3 जब वो चले गए हैं, तो मैंने उनको नहीं देखा है, तो उनके बारे में क्या बताऊं. तो ऑल क्रेडिट गोज टू माई मदर, जिन्होंने आगे बढ़ाया, उन्होंने सिंगल पेरेंट ने बनाया, तो अल्लाह ताला का फजल था, करम था कि तरबियत अच्छी हुई, तालीम अच्छी मिली. तो उसके साथ साथ ना माना सो अदब म्यूल असल या सोसाइटी में डील करने वाला बंदा तैयार किया मेरी मामा ने. तो उसके बाद मेरे शौहर हर हमेशा कोऑपरेटिव रहे, हद से ज्यादा. मेरे बच्चे हैं, आई हैव 3 डॉटर्स, तो वो भी बहुत ही सपोर्टिव है. तो मामा आप वो करती हैं, मामा आप ये करती हैं. तो मैं बताऊंगी कि मैं कभी कभार अपने बच्चों को ये बताती हूँ कि बेटा आप देखें कि आपकी मामा ने भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, हद से ज़्यादा. मैं आपको ये बताऊंगी, स्ट्रगल उस चीज़ को नहीं कहता कि जिसको पैसे की कमी हो. स्ट्रगल्स हद से ज़्यादा होता है. टू लिव इन द सोसाइटी विदाउट मेल, दैट इज़ द स्ट्रगल. अपने आप में ही बड़ा चैलेंज है. मैं आपको बताऊंगी कि कभी ये देखना कि दरवाजे पे कोई तो नहीं है, दरवाजे पे आके किसी दूसरे ने तो नहीं देखा कि दरवाजे पे कोई है, कोई तोहमत लगा के चला जाए, तो ऐसा भी होता है. तो थैंकफुल टू माई मदर, थैंकफुल टू माई हस्बैंड, जिन्होंने एक ऐसी तरबियत दी, एक ऐसा सपोर्ट दिया, जो मेरे को जिंदगी में, मेरे को लगता है ना कि एक ऐसा खूबसूरत सा टाइम लेके आए ना ये दोनों, कि शाहिद ही मुझे कभी भूले. और इंशाल्लाह उम्मीद भी रखती हूँ कि आइंदा भी ऐसे ही चले. अच्छा, एक मदरसा की हैसियत से आपसे ये सवाल हम जरूर पूछना चाहेंगे कि जो खासकर हमारी फीमेल टीचर्स हैं, वो जरा बगौर सुने जवाबन क्या कहती हैं हमारा जी.
वो ये कि जब हम तालीम का जिक्र जब भी आता है, तालीम की जब भी बात आती है, हम कहीं ना कहीं फोकस्ड इसी चीज़ पर होते हैं कि ग्रेड्स, किसके कितने मार्क्स हैं, 99% कितने बच्चों ने लाए, 100% कितने बच्चों ने लाए। लेकिन एक बच्चा, एक इंसान हकीकी मानों में पहले इंसान बने, उसमें वो अकदार हों, उसमें वो तमीज़ हो कि अगर मैं समाज में उठता बैठता हूँ, बुजुर्गों के साथ कैसे पेश आऊँ, नादारों मिस्किनों के साथ कैसे पेश आ जाऊँ, अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ कैसे पेश आऊँ, छोटे लोगों के साथ कैसे पेश आ जाऊँ, इसका फुकदान है। आप कैसे इंश्योर करती हैं और कितना ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को, जब अखलाकियात के हवाले से बात हो तो हम स्कूल में, वो भी हमारे बच्चे होते हैं, टीचर्स के लिए सारे बच्चे अपने ही बच्चे होते हैं, बच्चे तो वैसे भी सांझे होते हैं, तो ये इंश्योर करें कि उनमें अखलाकियात के आला तरीन वो अकदार हम उनमें इनकलकेट करें ताकि वो अच्छे लोग बने, अच्छे शहरी बने, हकीकी मानों में इंसान बने। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि मॉरल लेसन्स ना, सब मॉरल लेसन्स जो हम बच्चों को देते हैं, मॉर्निंग असेंबली हमारे पास होती है जिसपे हम किए ज्यादा डिस्कस करते हैं कि तात्पर्य हर एक टॉपिक इस बना कि क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन अगर हम आज के माहौल की और नजर डालेंगे, हम देखते कि अकिस बच्चस पान काजन व्योदी क्या व्यजु कि आज कह बच्चे रोजन तनहा खोश इवन कि अगर आप यकीन नहीं करेंगे, अगर फैमिली मज नान बुढ़बब तमें त्यूत टाइम तुम सह वे नान बुढ़बस सलाम कर यमो फरमो क्या आज पेरेंट्स ज्यादा पहन कर हे ऐ क्या यद करो ऐ वो नर पनस कमरस मे पार पार इन बच पान कहें इन बच पान कह। मैं आपको बताऊँ कि आजकल के जमानस मे गि दीनी तो दुनियाई तलीम दुशवे बराबर इक्वली आमस तुम दुशवे आ सू क्या बन सही मानवन मही सही शहरी जिम्मेदार शहरी बन। मैं आपको बताऊंगी कि इन द सोसाइटी वी हैव सीन दिस टाइम कि आप लोगों ने देखा होगा कि कैसा ज्यादा बुराई हद खत ज्यादा बुराई ये क्या इमे वजह सूस न मॉरल एजुकेशन विकनस प्रॉपर कह अगर मॉरल एजुकेशन प्रॉपरली दिन तम चीज त तम चीज गए जैसे कि आपने अभी बताया कि ऐसा सच। मैं आपको एक चीज बताऊंगी यहाँ पे, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, अस हमसाय गरी मज गर ठीक है तो उनकी जो वालिदा है तम लकटी बच्च तो तिमन मोज कर अंग्रेजी पठन कत सुशर पठन कर कहीं तो एक दिन एक बच्चा जा रहा तो हुआ सू गैस गैस नहीं जला थे आजकल हमारे पास वी हैव लाइट्स तमन दिन सू गैस यहाँ सू मेंटल लगा मेंटल उस ना लाइटिंग गैस हुआ करता था बिल्कुल एग्जैक्टली तो ये बच्चा गया इशु गैस दजा इशु मेंटलस करा था तो नानी बिचारी जो है उसको बोलना नहीं आता है कि व्हाट कैन आई से टू द चाइल्ड ताकि रोज इमनार निश दूर एमशन तगा मानून की वोनमुत घर में जो इनकी इस बच्चे की माँ थी उसने बोला था नहीं जी आप इसको नहीं बताना इसकी लैंग्वेज खराब हो जाएगी तो मतलब सुशु परेशान हाल गमस भाई एम बच्चस वन तो क्या वान तो यहाँ से वो कुछ बोलने लगी तो उसका हाथ ना जले तो उसकी मामा ने एंट्री मारी बच्चे के मामा ने एंट्री मारी तो वह चमहजवान उसकी बहजवानस बहजवानस पानी तो अल्लाह ताला का फजल या आप देखे कि झुनुक नान बुढ़ से उसी बंद कर तम हेकान कत ही कर तम हेकान कत ही कर तो इस ये आप देखें वो भी तो हम ही है ना बिल्कुल मैं ही हूं ना मैं अपने बच्चे को बोलती हूँ बच्चे आप जाओ जी आप ये लैंग्वेज अडॉप्ट करो ठीक है हम अपनी लैंग्वेज पहचान पहचान जो हमारी पहचान है मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल आप देखिए इस टाइम वी हैव ईच एंड एवरी टेक्स्ट जो हमारे स्कूलों का है दैट वाज अवेलेबल इन द इंग्लिश आप बाहर भी चले जाए दैट वाज अवेलेबल इन द इंग्लिश मगर स्टिल वी आर इन द कश्मीर वी हैव कश्मीरी लैंग्वेज वी हैव टू स्पीक कश्मीरी लैंग्वेज आई शुड वन ऑन एजुकेशन पॉलिसी में आपको पता होगा कि हमने बताया यो तो बच फाइव प्ले यो तो इसम्बले अमिस वो माज जबान मे सोरे कह मगर हम ये देखते हैं कि उस मदर टंग वैनिशी आपने बहुत एक इंपॉर्टेंट पहलू पे बात की क्योंकि हम स्टार्ट में बात कर रहे थे कि कित पट पाए ऐसे नान बुढ़बा से कत कर करना ये कत कि इनकी कम्युनिकेशन है रोदे ने तुम तुम कित पट कर नान बुढ़बा से कत क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बनोमत अनफॉर्चुनेटली। मैं आपको बताऊँ देखिए अजहर साहब आपने पहले ही बात छेड़ी थी मीडिया के बारे में आज शुद्ध हम बाची यीतिस कालस में माज निशन भी हम नान गए पत यीतिस कालस में माज निशन भी हम तीतिस कालस वो फोन और आप यकीन नहीं करेंगे इन द फैमिलीज दिस टाइम वी हैव सीन कि बत खन वि बचस पे ऑलव कर सी अदरवाइज ऐसा हुआ करता था आपको खुद पता है यु दस्तरखान बिछा तो अति
دیگہ مز یا بنٹنس مز یا رائس کوکرس مز چمچہ وسان یتھ سری سمان رلت ملت رلت ملت کتھا آپ آئے آپ نے اپنے پلیٹ نکالا مرضی آئی آپ کو دسترخوان پہ آپ بیٹھے مرضی نہیں آئی تو آپ اپنے روم میں ہی لے کے چلے گئے تو جس سے کیا ہوتا ہے کہ پہلے ہی ہم نے اپنے گھروں کا ڈسپلن خراب کیا یہ لیس پنن گھروں ڈسپلن خراب گو سو یہ گھرز مز ڈسپلن آئیس نہیں کہ سو کہتا ہے سماج سڑھا سڑھا شکریہ ہمارا جی واقعہ ایسے تو ایسے کرو مزید کہتے مگر تو ہنو آز تشریف سینس نادس تو کان پانس متعلق پنن اچیومنٹن متعلق تو تعلیم ہند حوال کر واریا کتھ اس سیت تہند بے ایک لٹ سڑھا سڑھا شکریہ بہت شکریہ ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جڑے رہے گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے آج کے شمارے میں ہمارے ساتھ کل بھی ٹی وی سیٹ آٹھ بجے آن کریں گے تو اور ایک مہمان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے بچوں کو ڈیر سارا پیار بزرگ اور خواتین کا احترام اور اکرام میں تو اجازت بھی تو خدا سوال اللہ حافظ